फोर्टिस अस्पताल मोहाली के न्यूरो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग के प्रमुख व सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर संदीप शर्मा द्वारा करनाल के निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की गई। उन्होंने बताया कि ब्रेन अटैक हकीकत में तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई बाधित हो जाती है या रुक जाती है। इसलिए स्ट्रोक दो किस्म का माना जाता है। दिमाग के कोशिकाओं को खून की सप्लाई डॉक्टर संदीप शर्मा ने ठप होने के साथ स्ट्रोक का होता है, जबकि दिमाग की कोशिकाएं फटने के उपरांत अंदरूनी खून बहने से फिजिक्स ऑफ हो जाता है। डॉक्टर संदीप ने बताया कि दिमागी नाड़ी फटने या लीक होने के साथ जब स्ट्रोक होता है तो अक्सर मरीज की मौत हो जाती है, परंतु समय पर इलाज मिल जाए तो मरीज की जान को खतरा नहीं रहता। डॉक्टर संदीप शर्मा तथा अमित शंकर ने बताया कि जीवन शैली में बदलाव और असंतुलित खान पान, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर तथा तनाव आदि के कारण ब्रेन स्ट्रोक के कारण बनते हैं। डॉक्टर संदीप शर्मा ने बताया कि इस रोग से बचने का सही तरीका जीवन शैली में सुधार करना, खान पान की आदतों पर काबू रखना, संतुलित पौष्टिक आहार करना, मोटापे पर काबू करना, रोज कसरत करना, तंबाकू सिगरेट बंद करना, नींद लेना उचित इलाज है। और हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ब्रेन हैमरेज और स्ट्रोक, जो ब्रेन हैमरेज पैरालिसिस स्ट्रोक है, उसमें किस तरह आज बगैर ऑपरेशन के इलाज हो सकते हैं एक नई टेक्निक के द्वारा, जिससे जैसे हार्ट में स्टेंट्स वगैरह डलते हैं उसी तरह नाड़ों के अंदर घुस के क्लॉट को निकाला जा सकता है या फटी हुई नाड़ को ठीक किया जा सकता है। तो ये एक नई टेक्निक है जिसमें हम बगैर ऑपरेशन के काम करते हैं और ना कोई खून निकलता है, ना कोई चीरा लगता है, ना टांका लगता है। 24 घंटे तक भी अगर एक लकवे का मरीज हमारे पास पहुंच जाता है तो हम उसका इलाज कर सकते हैं, उसे बगैर पैरालिसिस के घर भेज सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या नाड़ फट जाती है या नाड़ ब्लॉक हो जाती है। तो अगर नाड़ ब्लॉक हो जाती है तो हमारे पास 24 घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर अगर हम नाड़ खोल दें तो खून का सर्कुलेशन दिमाग की नाड़ों में फिर शुरू हो जाता है और वो फिर से चालू हो के, जो दिमाग सुन हो गया, इतनी देर से खून नहीं मिला उसे मिल जाता है और वो फिर से काम करने लगता है। लेकिन अगर नाड़ फट जाए तो हम एक तार के ज़रिए नाड़ के अंदर घुस के उसको कॉयल से, बैलून से, स्टेंट से, फ्लो डाइवर्टर से, पिकोनर से, कई डिवाइसेस हैं जिनसे जैसी नाड़ फटी है उस हिसाब से उसमें एक तरीके का पंचर लगा सकते हैं अंदर अंदर से और ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये इसी का के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यही चीज़ दिखाने के लिए और बताने के लिए है। और एक हमारे पास मरीज़ हमारे साथ आए हैं रामनाथ जी, और इनका भी एक जो है आप देखें कि एक नाड़ फट गई थी जो कि हमने बगैर ऑपरेशन के टांग के ज़रिए कॉइल्स डाल के ठीक की थी, पंचर ठीक की थी, और आज वो हमारे साथ है। मेरे ख्याल से साल हो गया आपको, साल से डेढ़ साल हो गया, डेढ़ साल हो गया। आपका नाम और कहाँ से हैं आप? कुरुक्षेत्र से हैं जी, रामनाथ नाम है। आपको क्या हुआ था? मेरे को दौरे पड़ते थे तो डॉक्टर साहब मेरे को पीछे ही भेजे पहले जी, वहाँ मेरे को लंबा टाइम दे दिया, मैं वापस घर आ गई। उसके बाद मेरे को डॉक्टर अग्रवाल ने मैक्स में भेजा जी, उन्होंने मेरे से 15 लाख रुपये मांगे, तो मेरे इतने हिम्मत नहीं थी, मैं फिर वापस आ गया। डॉक्टर साहब वहीं अग्रवाल के पास आए हुए थे, मेरे इनसे संपर्क हुआ, इन्होंने फोर्टिस में वही ऑपरेशन सिर्फ 8 लाख में कर दिया, तो अब मैं बिल्कुल दुरुस्त हुआ। तो इनकी दौरे नहीं, इनकी नाड़ फट गई थी, बेहोश थे, इनको पूरा याद नहीं है। तो कितने दिन हॉस्पिटल रहे आप हमारे पास? 4-5 दिन रहे? 4-5 दिन। 4-5 दिन। तो ये हालत ख़राब होने के बाद भी 4-5 दिन में एक दिमाग के अंदर कई मॉडर्न डिवाइसेस डली हैं, खर्चा इसी का होता है। तो वो मॉडर्न डिवाइसेस डाल के, कॉइल्स वगैरह प्लेटिनम की बनी है डाल के उसको सील करते हैं, तो फिर पेशेंट आप देख सकते हैं जिसका बहुत बुरी हालत भी है वो भी बिल्कुल फिट होते हैं हमारे आपके जैसे। तो अब मरीजों क्या आह्वान करेंगे आप, इसके बचाव कैसे करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बचाव तो ये अब नेचर का फिनोमिना है, ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल हो, थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो और हम थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें खान पीन का, तो फटने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन नेचर का है, फटनी है नाड़ तो कभी फटेगी, लेकिन उसके इलाज के लिए आज हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स मौजूद हैं जिनके कारण हम उन नाड़ों को सील कर सकते हैं जहाँ से लीकेज है। तो वो नॉर्मल, आज से पहले जिसको हम बहुत बड़ी बीमारी बचना ही मुश्किल था, आज वो बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकते हैं। आप एक बात और बताएं कि